हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजन मदान। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक, कमेंट, शेयर ये भी ज़रूर करना है कि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नई वीडियोज ला सकें। मतलब तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स और भी बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मुद्दा है हमारा वो एसलॉग के ऊपर है, एसलॉग 2 के ऊपर, एसलॉग 3 के ऊपर है और एचएलजी के ऊपर है। अब हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 10 साल 20 साल, मैं भी 12 साल से काम कर रहा हूँ इस वेडिंग लाइन में, तो सुनता है आज तक कि डायनेमिक रेंज क्या है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, लेकिन आज तक क्लियर मुझे समझ नहीं लग पाई। काफ़ी सारे कर्व देखे जी, एसलॉग का कर्व क्या है, एचएलजी का कर्व क्या है। अब पिछले 4 साल से मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँगा कि डायनामिक रेंज है क्या और ये कहाँ मिलती है और एसलॉग 2, एचएलजी और एसलॉग 3 क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायनामिक रेंज से। अब डायनामिक रेंज कंपनी क्लेम करती है, S3 हो गया, FX3 हो गया, उसके अंदर कंपनी बोलती है जैसे 15+ स्टॉप, मतलब 15+ स्टॉप की हमारे कैमरे में डायनामिक रेंज है। तो वो डायनामिक रेंज है लेकिन मिलती कहाँ है, यूज़ कैसे करना है? दोस्तों, अगर हम कैमरा स्टैंडर्ड पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी भी लॉग प्रोफाइल के ऊपर नहीं यूज़ कर रहे हैं, एज अ स्टैंडर्ड के ऊपर कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पे मेरा मानना है प्रैक्टिकली 6-7% ही डायनामिक रेंज हमारा कैमरा कंज्यूम करता है। मतलब 50-60% ही कैमरे का एनालाइज हो रहा है। तो कंपनी ने तो 15 स्टॉप की डायनामिक रेंज दे रखी है, तो वे फिर कहाँ मिलेगी? कंपनी क्लेम करती है सिर्फ लॉग प्रोफाइल के ऊपर। कोई भी आप नोटिस करना है, वेब सीरीज, कोई भी बड़ा गाना है या कोई भी अच्छा सिनेमेटोग्राफर जब शूट करता है वो हमेशा लॉग प्रोफाइल के ऊपर ही शूट करता है। रेड लॉग, एरी का सी लॉग हो गया, निकॉन के पास एन लॉग है, उसके बाद कैनन के पास सी लॉग है, 1, 2, 3 कैनन के पास है, सोनी के पास एस लॉग है, हर कंपनी लूमेक्स के पास वी लॉग है, तो फ्यूजी के पास एफ लॉग है। तो हर कंपनी ने लॉग सिस्टम भी दे रखा है। तो कंपनी जब क्लेम करे कि हमारे कैमरे में इतने स्टॉप की डायनामिक रेंज है, वो सिर्फ लॉग प्रोफाइल के ऊपर मिलती है, आज नहीं तो कल हमें वेडिंग लाइन में भी लॉग पे उतरना पड़ेगा। अगर नहीं उतरेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। डायनामिक रेंज अब है क्या? डायनामिक रेंज ये तो पता चल गया कि कहाँ मिलती है, सिर्फ लॉग प्रोफाइल के ऊपर मिलती है हमें अच्छी डायनामिक रेंज। अब डायनामिक रेंज का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले हमने देखा होगा कि वेडिंग्स में लड़के का रंग सांवला है और लड़की के मेकअप किया वो ब्राइट है। जब एक्सपोजर सेट कर रहे हैं लड़की ज़्यादा ब्राइट हो रही है, लड़का लड़की दोनों एक्सपोज कर लिए तो शेरवानी ब्राइट हो रही है ज़्यादा, जो शेरवानी पहनी हुई है। अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमने एक्सपोजर करेक्ट कर लिया, ट्राइंगल एक्सपोजर होता है जो हमारा, अपर्चर, ISO और शटर ट्राइंगल एक्सपोजर होता है, पूरा करेक्ट कर लिया। अब वेडिंग के अंदर लाइटिंग होती है, जो बल्ब होते हैं वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपोजर सेट हो जाता है, वेडिंग के अंदर जो लाइटिंग है वो ब्लास्ट होने लग जाती है। उसके बाद यही गोवा के बीच पे सन आया पानी के ऊपर, वो ब्लास्टिंग होने लग गया, पानी पूरा वाइट हो गया। उसके बाद सन की लाइट पे है तो सब्जेक्ट के फेस पे गिरता है, तो यहाँ पे पैचेस देखा होगा वेडिंग के अंदर, पैचेस पड़ने लग जाते हैं, हार्श फुटेज होने लग जाती है। अगर यही आपका कैमरा लॉग पे हो, कभी यूज़ करके देखना प्रैक्टिकली, यही कैमरा आपका लॉग पे हो, वो आपके बल्ब को भी रिकवर करेगा, पैचेस को भी रिकवर करेगा और हर एक चीज़ को विजिबल करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी डायनामिक रेंज मिल जाती है। अब डायनामिक रेंज इन चीज़ों को तो रोकती रोकती है, साथ में क्या कर रही है? वो बिल्कुल फ्लैट कलर्स है, ऐसे लोग या किसी भी लोग के ऊपर खींच रहे हैं, फ्लैट कलर है। अब फ्लैट कलर्स क्यों हैं? इसमें क्या होता है, हाईलाइट्स पार्ट्स, मिड पार्ट और शेडोज पार्ट, इन तीनों की इंफॉर्मेशन होती है इसमें पूरी की पूरी।
जितने डार्क पार्ट थे वहां की इंफॉर्मेशन बाहर निकाल देगा, इसीलिए नॉइस आती है। मिड पार्ट की इंफॉर्मेशन निकाल देगा, हाइलाइट्स पार्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देगा। सबसे पहले कंपनी ने दिया है सोनी के अंदर, ज़्यादा सोनी यूज़र हैं तो सोनी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, सोनी ट्रेंड पे है। सबसे पहले आता है HLG, हाइब्रिड लो गामा। हाइब्रिड में क्या है कि एक HDR फुटेज खींचता है कैमरा, हाई डायनामिक रेंज होती है इसमें। अब एक कर्व होता है, जैसे सबको पता है शेडोज, मिड और हाईलाइट पार्ट। तो प्रैक्टिकली सोचे HLG में हमें मिल जाती है एग्जाम्पल 25% डायनामिक रेंज। उसमें क्या आता है, हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हाईलाइट्स पार्ट्स को वो डाउन कर देते हैं बेसिकली, कि आपको जो चीज़ ब्लास्ट हो रही थी ब्लास्टिंग को 25% रोक देगा एग्जाम्पल। अब क्या है, ये कहीं ना कहीं अभी भी कम पड़ रहा है, लेकिन इसको हम डे हो नाइट हो वेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉइस जो ब्लैक पार्ट्स हैं उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये बाहर नहीं निकालता, तो इसलिए नॉइस नहीं आती। डे हो नाइट हो HLG पे शूट करो, हम लोग शूट करते हैं। उसके बाद बना है S-Log2। अब ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी देता है, हाइलाइट्स पार्ट्स और मिड पार्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ये निकालता है। इसमें समझ लीजिए हमें 50% डायनामिक रेंज मिल जाती है, पैचेस ब्लास्टिंग और कम कर दी इसने। और ये यूज़ करते हैं हम लोग जहाँ पर लाइटिंग हमारे हाथ में है भी और नहीं भी है। पहले HLG तो किसी भी तरह की लाइटिंग पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट स्टेज पे ज़्यादा थी, वहाँ कम थी, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। S-Log2 के ऊपर क्या होता है कि जहाँ पे लाइटिंग हाथ में है भी और नहीं भी, मतलब जैसे कोई रिंग सेरेमनी है, रोका है, तो होटल के अंदर चले जाते हैं हम लोग, तो होटल में क्या होता है कि लाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती है, एम्बियंस लाइट येलो लाइट आ रही होती है, वेडिंग की तरह नहीं कि पंडाल के अंदर वहाँ पे डार्क है, यहाँ पे शेडोज है, ऐसा कुछ नहीं, RGBs आ रही हैं। तो आपने देखा होगा जितने होटल्स वगैरह है वहाँ पे एम्बियंस लाइट एक्यूरेट होता है ऑलमोस्ट। अब लाइटिंग आपके हाथ में भी है और नहीं भी है, तो आप S-Log2 मिनी फंक्शन पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मिड पार्ट और हाईलाइट पार्ट की आपके पास इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है और ब्लास्टिंग भी रोकेगा, तो बड़ी अच्छी फुटेज आती है। उसके बाद दोस्तों नंबर थर्ड पे आता है S-Log। S-Log के अंदर क्या है, एक तो बहुत ही एक गारमेंट होता है DCI-P3, उसके बाद sRGB, Adobe RGB, इनका गारमेंट्स है, जैसे BT2020 प्रो फोटो, तो DCI-P3 से लेके, और अगर बात करें S-Log कर्व जो है कर्व, वो दोस्तों बहुत ही बड़ा है, मतलब कलर की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो S-Log3 के अंदर क्या होता है, हाइलाइट्स पार्ट, मिड पार्ट एंड शेडोज पार्ट, ये तीनों की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता है। अब ये कहाँ पे खींचना है, जहाँ पे 100% लाइट आपके हाथ में है, इसे वहीं पे, कमर्शियल शूट, गाने, वेब सीरीज, प्री वेडिंग, इनके ऊपर यूज़ करना है दोस्तों। अगर आप इसे वेडिंग पे यूज़ करेंगे 100% आपके नॉइस आएगी, क्यों ना FX3 है आपके पास या आपके पास है S3, वहाँ पे डार्क पार्ट पे नॉइस आई जाएगी आपको, नहीं तो लाइट का यूज़ करना पड़ेगा अगर नॉइस नहीं चाहते हैं। लेकिन HLG को आप कहीं पे भी यूज़ करिए, लो लाइट में यूज़ करिए, वो नॉइस इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको। अब ये तो रही भी डायनामिक रेंज कैसे काम कर रही है, इन्फॉर्मेशन HLG पे सिर्फ हाइलाइट्स, उसके बाद S-Log2 पे हाईलाइट एंड मिड, और S-Log पे हमारा हो गया हाईलाइट, मिड एंड शेडो, तीनों को रिकवर कर रहा है। उसके बाद अब कलर फ्लैट्स हैं जी, कलर फ्लैट इसलिए हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एडिटिंग में आते हैं, एडिटिंग में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही ईजी है कलर्स को निकालना। कलर्स को निकालना कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, लट्स मिलते हैं, कंपनी बना के रखती है जी HLG का, S-Log2 का, चलो ठीक है, लोग हमें जो लट्स देते हैं या मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यूज़ करना नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी तो कभी लट गलत नहीं प्रोवाइड करती है, उनके लट्स हैं, आप डाउनलोड कीजिए, एम्बेसडर लट हैं कंपनी के, फ्री में है, बिल्कुल वेबसाइट पे दिए गए, हम भी वो यूज़ करते हैं, तो उन्हें यूज़ कीजिए। अब फ्लैट कलर्स का क्या बेनिफिट है, एक तरफ आप कलर्स के साथ बैकेट है जो बाल्टी है वो भर के लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ है जो बाल्टी है खाली लेके आ रहे हैं, तो जो भरी हुई कलर्स के साथ बाल्टी है उसमें से 5-10% कलर्स हैं जो या निकाल सकते हो या डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, ज़्यादा करोगे तो फुटेज ख़राब हो जाती है।
लेकिन जो खाली बकेट है उसे आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अगर 100% भर रही उसे 70 कर दो, 70 है तो 100 कर लो, 70 ज़्यादा लग रहा है तो 50 कर लो। कलर्स आपके हाथ में है, इसका लाइव डेमो भी मैं एडिटिंग के अंदर दूंगा जरूर। कमेंट करके आपने बताना कि नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे किस पे, लाइक शेयर कमेंट जरूरी है अब, क्योंकि चैनल है जो हमारा वो बहुत लो जा रहा है, तो हम थोड़ा डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमें अच्छा लगता है यार कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप नोटिस करना विदाउट कट ये वीडियो है, विदाउट कट हम वीडियो बना रहे हैं, तो इतने टाइम बोलना बहुत एक चैलेंज होता है कैमरे के सामने, कभी आप रिकॉर्ड करके देखिएगा। तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी ट्यूटोरियल अच्छे अच्छे बना सकूँ। तो ये था दोस्तों एस लोग, तो अगर और जानकारी चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ये था, मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दिया है, और थ्योरी में पढ़ेंगे तो कर्व कहीं और ही जाएगा जी, तो वो थोड़ा अलग चैलेंज है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गया होगा कि एस लोग क्या है, चल जी क्या है, एस लोग टू क्या है। थैंक यू सो मच, और ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।